नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस मुख्यालय में जनता दरबार लगाया गया, जिसमें राज्य के विभिन्न जिलों से आए लोगों की समस्याएं सुनी गई। जनता दरबार में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और वित्तीय मंत्री रामेश्वर उरांव मौजूद रहे। वही मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि लगभग कुल 60 लोगों का आवेदन पहले से ही आया हुआ था और कुछ लोगों ने व्यक्तिगत आवेदन देकर अपनी समस्याओं को बताया। सबसे अधिक समस्या सड़क से जुड़ी थी, जिस पर संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। वही मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि जनता दरबार में राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन और सड़क से जुड़ी समस्याओं के आवेदन मिले हैं, जिस पर अमल किया गया है और साथ ही संबंधित विभाग को अपने स्तर से सूचित किया जाएगा, जिससे कि जनता को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। पंचायत सचिव का जो मामला है, ये मामला आज का नहीं है, लंबे समय का है और हमारे पहले जो सरकार था उसका चयन किया गया था। पर्याप्त समय मिलने के समय रहने के बावजूद उन लोग का चयन नहीं किया था। हम लोग उसको दिखवा रहे हैं और आश्वासन भी हमने दिया है कि 24 तारीख का कैबिनेट में हम लोग इस बात को रखने की काम करेंगे और जितना भी हो सकेगा उन लोग के लिए करेंगे। 60 आवेदन हम लोग के पास आए और कुछ लोग अपने अपने व्यक्तिगत फरियाद लेकर आए थे, कुछ सड़क के लिए, कुछ BDS के मामला के लिए। ये सारे मामला को हम लोग देखने के काम किए हैं और जो हम लोग के पास अभी वार्ता के दौरान जो शॉर्ट आउट करना था, हम लोग ने टेलीफोन से बात करके, मोबाइल से बात करके उसको शॉर्ट आउट करने की कोशिश की है और जो बचा है उसको हम लोग संबंधित विभाग को हम लोग भेज देंगे और हम अपने तरफ से भी उसको मॉनिटरिंग करते हैं कि जो आवेदन उन लोगों ने दिया है उसका आवेदन का निष्पादन और कितना हुआ नहीं है उसको भी हम लोग बीच बीच में खबर देते हैं। ये जो है रांची ही जिला का ही नहीं, रांची का बाहर अगल बगल जिला का भी कुछ एप्लीकेशन आया है और मैं समझता हूँ ये जनसंघर्ष के तहत जो भी आवेदन आया है या जो विक्टिम भी कोई कारण से या एक मामला आया कि अवैध रूप से किरायादार जो है उसका घर बेचने के काम कर रहा है, वो इसे कामों पर अंकुश लगाएंगे। जिसकी घर है, जिसको क्या बोलते हैं रेंट दे रहे थे, आज वही 20 साल से रह रहे मकान मालिक उसको बेचने के जो काम कर रहे हैं, वो इसे जो मैटर आए तो उसको तुरंत हम लोग उसको बंद कराने के काम करेंगे, अंकुश लगाने के काम करेंगे। गरीब लोगों के लिए क्या समस्या होती है? गरीब लोगों के पेट की समस्या होती है, अनाज की समस्या, पेट भरने की समस्या होती है। मेरे पास जो अभी आए 10-12 20 करीबन, उसमें राशन कार्ड की बात आई, किसी को मिला है हरा कार्ड तो वो चाहता है कि लाल कार्ड हो जाए, किसी को लाल कार्ड है तो चाहता है कि पीला कार्ड हो जाए, समस्या यही। तो नियमानुसार इसको हम लोग करेंगे, लेकिन बेचारों को पता नहीं है ग्रीन कार्ड और लाल कार्ड में कोई अंतर नहीं है। दोनों में हर सदस्य को 5-5 kg मिलता है, अगर एक परिवार में 5 सदस्य हैं तो 25 kg मिलेगा। AAY मतलब पीला कार्ड में अंतर इतने हैं कि परिवार में सदस्य कितनों हो लेकिन 35 kg मिलेगा, अत्यंत गरीब लोग उसमें होते हैं। तो उनको समझा करके फिर DSO को हम लोग दे रहे हैं और सुरेश जी को लगा दिए, इसी जिला का है समस्या, तो सुरेश बैठा जी जाएंगे, इनको DSO को फ़ोन कर दिया कि जाएंगे इसका निदान कर दें, निदान करेंगे हम लोग। तो समस्या गरीबी की है, गरीबी से जुड़ा हुआ है, समस्या पेंशन का है, पेंशन का भी आया तो SDO को, रांची SDO को मैंने फ़ोन किया, हम भेज रहे हैं। इसमें तो सर्वजन पेंशन मिलना है, अड़चन कहाँ है, खाली देखना है आपको कि 60 साल पूरा हो गया है, 60 साल पूरा हो गया है तो आपको पेंशन बना देना, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब कोई जांच की जरूरत नहीं है कि इसका इनकम कितना है, क्या है, कुछ ही है, ये सबको जरूरत नहीं है। तो इसको जल्दी बनाइए, 15-20 दिन में बना करके इसको दे दीजिए ताकि इसको दौड़ना नहीं पड़े। इसी तरह की समस्याएँ रहे, फिर हमारे मंत्री जी बगल में थे आलमगीर आलम साहब को, उनके पास ज़्यादा समस्या आई गांव देहात में, सड़क नहीं है, सड़क की समस्या रखी गई, तो ग्रामीण विकास उनका है, उनकी जिम्मेदारी है, उसमें वो कार्रवाई करेंगे।